मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस की बात हो और शाहबानो बेगम का केस डिस्कस ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब आप अपने सेमेस्टर लिखने जाएंगे या फिर आप कभी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें आपको मेंटेनेंस पढ़ना होगा अंडर मुस्लिम लॉ, तो आप देखेंगे कि काफी सारे सवाल हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, जैसे कि सेक्शन 125 CRPC, क्या मेहर की रकम जो कि शादी में दी गई थी वो काफी नहीं है और मेंटेनेंस देने की जरूरत है? क्या जब कोई मुस्लिम वुमेन सेक्शन 125 CRPC में मेंटेनेंस को क्लेम करती है तो CRPC इंटरफेयर कर रहा है मुस्लिम लॉ के पर्सनल लॉज में? क्या मुस्लिम लॉ के पर्सनल लॉज जो है वो एक मुस्लिम वुमेन को इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस देने का राइट देते हैं या नहीं देते? ये सारे सवालों के जवाब जब आप ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत सारे केसेस पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी और बहुत लंबा एक तरीके की पूरी स्टडी होगी। मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो में मैं आपको ये सारे सवाल जो है वो बड़े शॉर्ट में समझा दूं ताकि जब आप नोट्स पढ़ें तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। इवन मैंने भी कुछ नोट्स बनाए हुए हैं पूरे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं ताकि जब आप पढ़ें ये वीडियो देख लें तो आपको ये नोट्स पढ़ने में बड़ी आसानी हो और आपसे एग्जाम में अच्छे से डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप उसको लिख पाए। तो चलिए समझते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ, अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस जो है वो कैसे दिया जाता है? मेंटेनेंस दो तरीके से दिया जा सकता है। क्या दो तरीके हैं? एक तो आप सेक्शन 125 CRPC में जाके मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। ये रिलीजन पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी जाकर मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब कि आप के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे मेंटेन करें, मेरे रीजनेबल लाइवलीहुड के खर्चे आप उठाएं। मतलब कि एक मुस्लिम वुमेन हस्बैंड के ऊपर लाइबिलिटी बनती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका तलाक हुआ है या नहीं हुआ, हम वाइफ की बात कर रहे हैं। दूसरा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वाइफ जो है वो अपने आप को खुद मेंटेन करने लायक हो, तब भी हस्बैंड की लाइबिलिटी बनती है कि वो वाइफ को मेंटेन करे। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, ऑफ कोर्स अंडर पर्सनल लॉस वो जाकर इस बात की डिमांड कर सकती है कि आप मुझे मेंटेन कीजिए, मैं आपकी वाइफ हूं। यदि यहां से उसको कोई बात नहीं मिल रही, कोई जवाब नहीं मिल रहा, वो यहां जा सकती है। यहां से जवाब नहीं मिल रहा, वहां जा सकती है। वो दोनों में भी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं शाहबानो केस की। शाहबानो केस को मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको आपकी किताबों की लिखी कहानियां ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए बात क्या हुई थी भैया, शादी थी किस किस की? मोहम्मद अहमद खान और शाहबानो की। ठीक है, अब इनकी शादी को करीबन 40 साल हो चुके थे और 5 बच्चे थे। 40 साल की शादी के बाद 1932 में इनकी शादी हुई थी। 40 साल की शादी के बाद मोहम्मद अहमद खान ने कर ली भैया दूसरी शादी। दूसरी शादी जब कर ली तो शाहबानो को क्या कहा कि भैया आप हमारे घर से निकल जाइए, उनको डिसोन कर दिया, तलाक नहीं दिया, डिसोन कर दिया। शाहबानो ने कहा कि ठीक है मुझे आप मेंटेनेंस देते रहिएगा, कोई बात नहीं मैं अलग हो जाती हूँ, इनसे कहा 200 रुपए आप मुझे दे देना। तो अहमद खान ने कुछ समय तक 200 रुपए दिए, उसके बाद अहमद खान ने 200 रुपए देने बंद कर दिए। जब अहमद खान ने 200 रुपए देने बंद कर दिए तो हार के शाहबानो को अंडर सेक्शन CRPC का कौन सा सेक्शन? अंडर सेक्शन 125 मोहम्मद अहमद खान से मेंटेनेंस क्लेम किया कि आप मुझे मेंटेनेंस दीजिए, आप मुझे पैसे नहीं देते, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं 5 बच्चों का लाइवलीहुड कैसे चलाऊं, मैं अपना लाइवलीहुड कैसे चलाऊं, मेरी शादी इतनी यंग एज में हो गई थी, ना मैंने पढ़ाई करी, ना मैं अपने आप को कुछ कमाना जानती, तो आप मुझे पैसे दीजिए। अब मोहम्मद अहमद खान थे वकील, इंदौर के बहुत बड़े वकील। जब इनको पता चला कि शाहबानो जो है वो मुझसे मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, जुलाई में मेंटेनेंस क्लेम किया, नवंबर में के महीने में उसी साल के मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो बेगम को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इररिवोकेबल तलाक, तलाक ए बिद्दत, 3 बार तलाक कह के तलाक दे दिया, डिसोन कर दिया। ठीक है, अब शाहबानो बेगम जब तलाक दे दिया मोहम्मद अहमद खान ने, तो मोहम्मद अहमद खान ने ये डिफेंस लिया कि अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इद्दत के समय तक ही मेंटेनेंस दे सकता हूं, उसके बाद मेंटेनेंस नहीं दे सकता। इद्दत क्या होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इद्दत वो टाइम पीरियड होता है जो कि तलाक के बाद, तलाक से पहले मतलब अनाउंसमेंट के बाद औरत का होता है। 3 ल्यूनर साइकिल्स होते हैं, अगर डेथ हो जाए तो 4 महीने 10 दिन का इद्दत का पीरियड होता है। तो उन्होंने डिफेंस लिया मोहम्मद अहमद खान ने कि मैं आपको सिर्फ इद्दत तक का ही
मेंटेनेंस दे सकता हूँ। तो शाहबानो बेगम ने इस बात को इस की अपील करा कि मुझे इद्दत तक का नहीं, मुझे बाद का भी मेंटेनेंस चाहिए होगा। इन्होंने इद्दत की रकम, जो मेंटेनेंस की रकम थी, उसको बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील करा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रकम को बढ़ा भी दिया, रकम को बढ़ा दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले गए मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर जाकर, वो जाकर उनको कहा कि आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुझे शाहबानो बेगम को ये रकम देने के लिए कहा है एज अ मेंटेनेंस, तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूंगा? क्यों? क्योंकि मेरा उससे डाइवोर्स हो चुका है, और अंडर पर्सनल लॉ, अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, यदि तलाक के बाद आप किसी भी औरत से, अपनी वाइफ के सिवा किसी भी औरत से कोई संबंध रखते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो हराम माना जाता है। तो अंडर इस्लामिक लॉ मैं किसी भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं रख सकता। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो कि आपको पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि यदि कोई भी औरत अपने आप को खुद फीड करने के लिए लायक ना हो, निर्भर ना हो सके, तो आपको इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। दिस वॉज दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एक बार हम जजमेंट पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और जो हम कह रहे हैं। जजमेंट की लाइंस है ये, क्या बोला, यहां से पढ़िए जरा मेरे साथ। एक्सप्रेस द ओपिनियन अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, शी कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी बिकॉज सो लॉन्ग शी हैज नॉट रीमैरिड, शी इज अ वाइफ ऑफ द पर्पस ऑफ सेक्शन 125। इफ she is able to maintain herself, the husband's liability to provide the maintenance ceased, agar wo kar sakti hai to, with the expiration of the iddat period, yadi wo apne aap ko maintain kar sakti hai to hum maan sakte hain ki iddat ke baad khatam ho jayega, lekin jab tak uski dusri shaadi nahi ho jati wo 125 ke under maintenance ko claim kar sakti hai। aage bola, but if she is unable to maintain herself after the iddat period, very important line, but if she is unable to maintain herself after the iddat period, she is entitled to have recourse to section 125 CRPC। ठीक है, अब ये बड़ा remarkable judgment दे दिया और बड़ा हाहाकार मच गया कि ऐसे इद्दत के बाद भी अगर maintenance देना पड़ेगा तो कैसे बात बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा। अब ये बात है 1986 की, और इस समय बड़ा पॉलिटिकल क्योस चल रहा था। तो एक बड़ी हिस्टोरिकल चीज हुई, क्या उसी साल में हमारे पास एक एक्ट पास हो गया। एक्ट का नाम क्या है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स 1986। इस एक्ट को हम जिस्ट में आपको बताते हैं, इस एक्ट में, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आपको इद्दत के बाद भी देना पड़ेगा मेंटेनेंस, इस एक्ट ने ये बात कह दी कि मुस्लिम मैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इद्दत तक ही मेंटेनेंस देगा। यदि वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है तो वो वक्फ बोर्ड पे जाएगी, रिलेटिव्स के पास जाएगी, लेकिन हस्बैंड की लायबिलिटी इद्दत तक ही होगी। इस पर्टिकुलर एक्ट ने ये बात कह दी। अब जब ये आया तो ऑब्वियसली बड़ा, अगेन देयर वाज अ बिग क्योस, देयर वाज अ बिग इशू दैट ये तो है, तो बात मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑन डाइवोर्स की बात है, लेकिन फिर भी ये बात तो गलत हो गई। ये इसने तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसको बिल्कुल ही ओवर रूल कर दिया, तो कैसे बात बनेगी। इसको क्लेम किया, यहां तक ही आपको पढ़ना है, लेकिन इसको क्लेम किया था हमने कहां, लीडिंग केस एक और हुआ जो कि आपको पढ़ना होगा, डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ अगस्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में डेनियल लतीफी, जो कि शाहबानो बेगम के वकील ही थे, उन्होंने अभी जो एक्ट आया उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर क्लेम किया कि ये गलत है, ये एक औरत का जो राइट है, अगर आप एक बात कर रहे हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी में, जहां पे सबको एज अ सिटीजन सबको मेंटेनेंस मिलता है, ठीक है, और यही आपने मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम वुमेन को सर्कमस्क्राइब कर दिया कि सिर्फ इद्दत तक मिलेगा, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है।
और डिस्क्रिमिनेशन है तो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, फंडामेंटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें हुई। इसमें दन्य लतीफी को कहा गया भैया आप चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो ये एक्ट पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट का ही साथ दिया और कहा कि ये जो एक्ट पास हुआ है, इस एक्ट में लिखा हुआ है कि इद्दत के पीरियड में हस्बैंड जो है वो ऐसे प्रोविजंस बनाएगा, ध्यान से समझिएगा, कि वो ऐसे प्रोविजंस बनाएगा जिससे कि वाइफ इद्दत के पीरियड में ही प्रोविजंस बनाएगा, जिससे कि वाइफ जो है इद्दत के बाद भी अपना अच्छे से गुजारा कर पाएगी। और जहां तक बात है मेहर की रकम की जो उसको मिली थी, ये सवाल उठा कि मेहर की रकम काफी नहीं है, जहां तक बात है मेहर की रकम की, तो मेहर की रकम तो उसे वैसे भी मिलेगी। मेहर की रकम इज द इंटीग्रल राइट ऑफ अ मुस्लिम वुमेन, उसका मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा सवाल जो उठा कि सेक्शन 125 CRPC इंटरफेयर तो नहीं कर रहा किसमें, पर्सनल लॉ में, तो जजमेंट आया कि भैया ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, इनमें इंटरफेरेंस का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, वो पर्सनल लॉ की बात कर रहा है, यहाँ पे हम सबको मेंटेनेंस देने की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। सो आप दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू लर्न इन मेंटेनेंस इन मुस्लिम पर्सनल लॉस। मैं क्या करती हूँ कि मैं आपको ये वाला जो पूरा डॉक्यूमेंट है एक शॉर्ट में हम लोगों ने बनाया हुआ है, इसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स जब आप फिर अपनी बुक्स पढ़ेंगे और आप वहां पे देखेंगे कि जो आपको सेमेस्टर्स में लिखना है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। मुस्लिम लॉ की प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारे लेक्चर्स जो है वो ऑर्डर में डले हुए हैं। ठीक है, चलिए बाय, हैव अ गुड लक।